गाइस, कैसे हो? और हो रहा है दोपहर का टाइम, जस्ट मैंने एक वीडियो शूट करके अभी डाला है और बस नहा के आई और बाबू को सुला दिया। ये देखिए कंबल ओढ़ के सोए कितना सारा, और ये देखिए फ्रिज पे कितने सारे सब कपड़े रख रखे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, बहुत ज़्यादा सर्दी, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग सर्दी सर्दी करते, जो रोडों पे रहते हैं उनसे पूछिए कितने सर्दी से कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। उन ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, एक कंबल से गुजारा करते हैं। और सड़क पे हम बंद मकान में तब ये हाल है, वो सोचिए वो रोडों पे रह रहे तो उनके साथ कैसे वो कैसे काटते होंगे। कहते नहीं जितना हो उतना ही वो करते हैं, तो हम ना कहते नहीं तो इतना ही वो करे जितना हो सके, हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे भी कोई आता है तो जितना मेरे बस में होता है मैं करती हूँ। और भगवान ने चाहे अगर मेरा कुछ ये चैनल वगैरह ग्रो वगैरह कर गया तो मैं उन लोगों की मदद बहुत अच्छे से करना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मजबूरी उनकी। तो मैं मदद ज़रूर उनकी करना चाहूँगी, क्योंकि ठंड में महसूस कर सकते किसी का दर्द हम नहीं महसूस करेंगे। इंसान होके हम किसी की दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सर्दी करते ये करें वो करें, तो वो गाइस देखिए वो ठंड में रहते हैं पूरा रात दिन। दिन तो चलो कट जाएगा, रात कैसे बुरा हाल हो जाता होगा उन लोगों की इतनी सर्दी में। चलो बड़े बड़े ठीक है, बच्चे बच्चे छोटे छोटे से, मैं एक अभी थोड़े दिन पहले गई थी कहीं रेलवे स्टेशन, छोटे छोटे से बच्चे को लेके लेडीजें बैठी हुई हैं, ठंड में हाथ पैर कप रहे हैं। बड़ा दुख लगा, बड़ा दुख हुआ। पर जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बहुत सारा तभी मदद करो, जितना हो उतने से ही मदद कर देनी चाहिए। तो जितनी होती है मैं अपनी तरफ से मदद कर देती हूँ, और भगवान ने चाहा तो कभी ज़्यादा भी मदद कर पाऊँ। तो भगवान से यही उम्मीद करती हूँ मैं इस लायक हो जाऊँ जो किसी की अच्छे से मदद कर पाऊँ। तो चलिए यही कहना चाह रही थी, आज बहुत मन थोड़ा सा दुखी हो रहा था, ठंड ठंड करते हैं तो वही बात मेरे दिमाग में आ गई कि रोडों पे रहते हैं कैसे कैसे कोई कोई ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा भी बीमार हो जाता है। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे। बहुत लोग ये नहीं मदद नहीं करते, बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, ऐसे नहीं है मदद नहीं करते। दुनिया है बहुत रंग बिरंगी दुनिया है, कोई अच्छा है कोई वैसा है, हर तरह का इंसान है। कोई मदद भी करते हैं, कोई देख के चले जाते हैं, पर मदद के लिए भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान, मैं ये सोचती हूँ भगवान सबके साथ थोड़ा थोड़ा सबको दे, सबको थोड़ा थोड़ा दे, एक कोई नहीं दे, सबको दे। ये ज़िंदगी दी है तो थोड़ा थोड़ा सबको सब कुछ दे, एक चीज़ सबको ना दे। जो ये ज़िंदगी दी है तो उसे सही से जी पाए। तो यही था, एकदम से मुझे बात याद आ गई। तो चलिए ये ब्लॉग मैं बस आज से स्टार्ट कर रही हूँ, पर ये मिलेगा संडे को। तो यही था, बहुत मन दुखी हो जाता है, मेरे दिमाग इधर से उधर चलता ही रहता है। किसी की सुन लूँ ना तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब। बच्चों के लिए क्या से क्या करना होता है। तो चलिए गाइस, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं कुछ पता नहीं है। बाबू को सुला दिया है, अपने लिए बना लेती हूँ मैं रोटी, और फिर बड़े वाले बाबू को लेने जाऊँगी स्कूल से, फिर आके उसको होमवर्क कराना है, ट्यूशन छोड़ के आना है। मन में आया तो आप लोगों के से शेयर करना, कहते नहीं है दिमाग में से निकल जाती पर ये वीडियो ये तो हमेशा याद रखेंगे, भूलने नहीं देंगे हमें। तो चलिए काम कर। ये मेरा सोना, सोना कैसे खेलता, बहुत शैतानी करता है ना बाबू। ये देख कुछ कुछ मांग रहा है, सो के उठ गया है। देखिए इसकी शरारतें, और इसे कैसे ज़िंदगी देख लीजिए, सारा कितना जंगल जैसा है यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये देखिए हम लोग सर्दी सर्दी करते हैं, ये देखिए आप लोगों को ये घर दिख रहा होगा, यहाँ पे अकेले रहते हैं। ये देखिए कितनी हवा कितना सब कुछ चलता है, हम एक रूम में कितनी सर्दी सर्दी करते हैं। और इन लोगों से कुछ सीखे, भगवान भी कितना निर्दयी होता है। देखिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, और बिजली भी नहीं है। ऐसे ये लोग रहते हैं। ये देखिए हमारी छत से ये सामने दिखता है, ये भैंस का तवाला, यहाँ पे भैंसें बांधते हैं। आप लोग देख सकते हैं दूर है, क्योंकि मैंने छत से किया है इसलिए थोड़ा सा वैसे दिख रहा होगा।